सो हाय गाइस, तो दुनिया में ना बहुत सारे डॉग लवर्स हैं, हमारे आसपास भी हैं, और कुछ तो अपने कुत्ते से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी तक उनके नाम कर देते हैं। तो हमारे पास की घटना है अभी कि एक आदमी ने अपने इकलौते बेटे को छोड़ के प्रॉपर्टी कुत्ते के नाम कर दी। कहता कुत्ता ज़्यादा वफादार था, तो अमीर होने के बाद कुत्ते में आ गया एटीट्यूड। मालिक के बेटे से कहता पंजा दे मैं, और नहीं तो क्या, अब तक मैं दे रहा था ना, मैं दुनिया का पहला कुत्ता बनना चाहता हूँ जिसने इंसान से पंजा मांगा। अपने दोस्त को बुला के कहता हे टाइसन इधर आ, गांव भर के जितने कुत्ते हैं, मैं सरपंच की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे, दिखने में जो कुत्ते हैं होने में नहीं, उनको शाम की पार्टी के लिए बुला और सबको बोल देना ना नहा धो के आए, क्या है अपने को पार्टी में बदबू नहीं चाहिए। चल सामान लिख। क्या सामान भाई? अरे पार्टी के लिए सामान नहीं चाहिए क्या पागल? हाँ बोलो ना भाई। चल लिख 50 पैकेट पार्ले जी, मिक्सचर लिख ले है ना, टोस्ट ऐसा 20 पैकेट लगभग, और भाई मैगी वैगी लिखूँ? अरे यार वेस्ट जाएगा, साले सूंघ के छोड़ देते हैं। और चल उबला अंडा लिख ले 6 दर्जन है ना, और मसाला और प्याज वजमट डलाना, फिर सूंघ के छोड़ देंगे। अच्छा छोड़, वो जो गोल बाजार वाले कुत्ते बिरादरी है ना, उनको मत बुलाना भाई, बहुत बदमाश है, स्विमिंग पूल में सुसु कर देंगे। किसी दिन यार हम लोग ग्रुप बना के जाएंगे, उनको विकट मारेंगे मालूम, मेरे को बहुत परेशान करते थे। नहीं नहीं भाई नहीं जाएंगे, उनके मोहल्ले में बहुत झगड़ालू है मालूम, सकेंगे नहीं हम लोग, तो पागल पी प्लान कब कम आएगा, मतलब बी प्लान। अरे प्लान बी तो ऐसा इंसानों को होता है, अपना पी प्लान पार्ले जी लेके जाने का मालूम, सके तो सके, अगर हारने लगे ऐसा करके एक पार्ले जी निकालो, वो औकात में आ जाते हैं ना, कितना भी खूंखार हैं ऐसे पार्ले जी निकालो, फिर क्या ऐसा पार्ले जी झुला के गटर में फेंक दो, जब वो झांगने जाए गटर में, उसके 4 इंच के पौंद में ऐसा लात मार के ना गिरा देने का गटर में, समझे? अरे वाह भाई क्या, मतलब आपके कुत्तेपन का जवाब नहीं। भाई एक बात पूछूँ, क्या बुरा तो नहीं मानोगे? अरे पूछना यार, उसमें क्या है, अब भाई अब मतलब सेटल हो गए हो पूरे करियर में है ना, इतने बड़े कुत्ते बन गए तो आपके लिए कोई कुतिया देखें क्या? तू शादी की बात कर रहे? और नहीं तो क्या, इसी बहाने हम लोग को भी डांस करने का मौका मिले ना, इंसानों को भी तो पता चले हमारा नागिन डांस कैसा होता है ना, पूरे गांव भर की नाली ने छलका दिया सड़क तक, मेरा नाम भी टाइसन नहीं। अरे यार कहाँ शादी वादी, सूट वूट खरीदना पड़ेगा, कहाँ मिलेगा? अरे भाई फ्लिपकार्ट में मिलेगा ना, एक से एक कुत्तों वाला सूट, और क्रेडिट कार्ड में डिस्काउंट भी है। क्या होता है क्रेडिट कार्ड? अरे भाई इतना बड़ा सा होता है ना, उस पर आपका नाम लिखा रहेगा मालूम, टॉमी द गौटिया, गौटिया मतलब छत्तीसगढ़ी में एरिया का सबसे अमीर आदमी। क्या बात कर रहा है, कहाँ मिलेगा ये? अब भाई इतना तो नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ पार्ले जी मिलता है ना वहीं मिल सकता है। कितने का मिलेगा भाई? इतना बड़ा तो है, अब पार्ले जी इतना बड़ा होता है तो 10 रुपया, वो इतना बड़ा तो 2.5-3 रुपया मतलब ऐसा। और इसका एक फ़ायदा भी है मालूम क्या? अरे उसकी नोक से ऐसा खुजाने का बड़ा राहत मिलता है मालूम है, और नहीं तो क्या, और ना उसको थोड़ा टेक्निक से ऐसा ऐसा काट काट दो साइड साइड को, खांचा बना दो, तो उसमें क्या ऐसा करोगे ना तो पिस्सू भी निकलता है। हाँ लेकिन एक घाटा है भाई, क्या उसको ना धूप में रखना पड़ता है, ऐसा गीली जगह पर या ठंडी जगह पर रखो ना तो पार्ले जी टाइम मुरझा के टूट जाता है। क्या बात कर रहे, और नहीं तो क्या। अच्छा चल ये भी ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है यार, एक बात बताओ, ये जो ज़मीन मिली है मालिक से मेरे को, उसका क्या करना, खाली छोड़ेंगे तो अपने बिरादरी वाले हक हक के मिट्टी में ढक देंगे, 6 महीने बाद टट्टी का पौधा निकल आया तो? अरे भाई टेंशन मतलब सोच रखा है ना मैंने भाई, उसमें क्या है ना मुर्गों की खेती करेंगे, मुर्गे की खेती, और नहीं तो क्या। देखो ऐसा ज़मीन में मुर्गे की हड्डी गड़ाने का, और उसमें बीच बीच में चारा डालते रहने का, समझ रहे हो, चारा अगर बीज होगी तो ऐसा मुर्गे का पौधा फिर पेड़, और अगर चारा में चावल डालेंगे तो सीधा बिरयानी का पौधा। क्या बात कर रहा है, मैंने तो सुना था कि अंडे से मुर्गी मतलब ऐसा। अरे भाई अधूरा ज्ञान नहीं रखने का, समझे, पूरा रखो, ऐसा अंडे से निकलता है लेकिन पूरा प्रोसेस है कि पहले हड्डी को ज़मीन में गड़ाने का, चारा डालने का, पौधा पेड़ फल रूपी अंडा, अंडे से चूजा, चूजा से मुर्गी, मुर्गी पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म कट 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 कढ़ाई, कढ़ाई से मुंह में, मुंह से हड्डी निकलने का, हड्डी खेत में गड़ाने का, चारा डालने का। क्या बात कर रहा है यार, तू तो मतलब एकदम ज्ञानी आदमी है, और नहीं तो क्या।
तभी एक वकील आया जमीन का पेपर लेके। आग कहता, सर। टॉमी कहता, ये क्या नावा लफड़ा है रे? अरे भाई, लफड़ा वफड़ा कुछ नहीं ना, जमीन का कागजात है। देख के ऐसे पंजे का ठप्पा मारना भाई, लेकिन देख के मारना ना, इन लोग गड़बड़ लिखते हैं। गड़बड़ लिखेंगे ये, बर्बाद हो जाएंगे हम फिर से। तो तू पढ़ के सुना ना। मैं ठहरा कुत्ता आदमी यार, मेरे को क्या मालूम क्या लिखा है। और छोड़ो ना भाई, कर दो यार, बर्बाद होंगे तो क्या हो जाएगा, क्या था वैसे भी है। नहीं चाहिए भाई जमीन वमीन, टेंशन है ना। हम कुत्तों को क्या चाहिए, दो टाइम का खाना कुछ भी दे दो भाई, कैसा भी, भूख का दर्द बर्दाश्त नहीं होता है ना। अब भगवान ने ऐसा बनाया है ना, घर है ना फैमिली, इंसान के भरोसे। और इंसान हमको प्यार करे ना करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे छोटे छोटे पिल्ले जो रोड क्रॉस करते हैं, जिनको पता भी नहीं वो कहाँ खड़े हैं, उनके लिए थोड़ा रुक जाओ यार सड़क पे, है ना। मालूम है इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है, लेकिन थोड़ा, है ना। लाखों पिल्ले मरे हैं और मरेंगे आगे भी, दुनिया को पता नहीं चलना, लेकिन इंसानियत मरती है तो ज़रूर पता चलता है ना, और चल भी रहा है। हमारी लाइफ की भी ट्रेजेडी है ना भाई, इंसान भगवान के भरोसे, हम इंसान के भरोसे। भगवान इंसान को जितना देता है, जितना बड़ा बनाता है, इंसान की सोच हमारे लिए उतनी छोटी हो जाती है ना। हज़ारों रुपया खर्च करके विदेश से कुत्ता लाएंगे, लाखों खर्च करके उनको पालेंगे, हमारे लिए सूखी रोटी भी नहीं है। और कहते क्या है, हर कुत्ते का दिन आता है। नहीं आता ना भाई, ये हमसे पूछ के देखो।